हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनिल वर्मा फिर से आपका स्वागत करते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं अपने पंचुएशन के फर्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। पंचुएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जामिनेशंस में आपको नंबर दिलाने में, तो इसको हल्के में मत लें। बहुत बार आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन, डैश की वजह से एक आध नंबर लूज कर जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। आप जानते हैं कई बार एक नंबर की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है और हमें फिर उस नंबर के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और जैसा कि सर ने कहा है, इस पंचुएशन को मैं एज़ फॉर एज माई रीच इज कंसर्न मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि पंचुएशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इसमें फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, सेमी कॉलन आता है, कॉलन आता है, हाइफन आता है, हाइफन छोटा होता है, डैश आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है और एपोस्ट्रॉफी आता है। ये सभी पंचुएशन के सिंबल्स हैं, मार्क्स हैं, और ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपको नंबर दिलाने में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सबसे पहले हम लेंगे फुल स्टॉप को। तो जैसा कि फुल स्टॉप के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फुल स्टॉप यहाँ पर है और इसी को हम शुरू करते हैं बताना। फुल स्टॉप हमेशा हम तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट पाज है। पाज का मतलब स्टॉप होता है, यानी जब एक आप लंबे सेंटेंस को, इन्फॉर्मेशन को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो आप फुल स्टॉप देते हैं। और ये कहाँ कहाँ आता है? ये इम्परेटिव सेंटेंसेस में आता है, ये असर्टिव सेंटेंसेस में आता है, ये एब्रीविएशंस में आता है, ये एब्रीविएशंस के साथ साथ जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, आप ध्यान रखना है ये एक्रोनिम्स में नहीं आता है। नहीं आता है। लेट अस डिसाइड व्हाट द एब्रीविएशन एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम इज। आपने पढ़ा होगा USA, इसे हम USA कहते हैं या USA कहते हैं, जाहिर सी बात हम USA कहते हैं इसको, और ये ऐसे लिखा है। लेकिन जरा देखिए तो हम फिक्की कैसे लिखते हैं, हम फिक्की ऐसे लिखते हैं, हम ओपेक कैसे लिखते हैं, हम ओपेक ऐसे लिखते हैं, हम नोएडा कैसे लिखते हैं, हम नोएडा ऐसे लिखते हैं। ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी ये किसी बड़े और लंबे नाम के फर्स्ट लेटर्स को लेकर के एक नाम बना दिया गया है। और यह भी वैसा ही कुछ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यूनाइटेड का यू, स्टेट का एस और अमेरिका का ए लेकर के हमने इनको एब्रीविएट करके और बोला USA। इसे हम USA तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरा इसको देखें, फिक्की भी एक लॉन्गेस्ट नेम का एब्रीविएटेड पार्ट है, लेकिन इसको हम FICCI तो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको फिक्की बोल रहे हैं। और इसी वजह से ये तीनों एक्रोनिम्स हैं, ये तीनों एक्रोनिम्स हैं और ये एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशंस हैं और एक्रोनिम्स हैं। तो एक्रोनिम्स भी फर्स्ट लेटर से लेकर बनाए जाते हैं, लेकिन उसको हम एक नाम की तरह यूज करते हैं, जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रख के एक प्रॉपर नाउन की तरह हम यूज कर लेते हैं। यानी ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स तो बने हैं, लेकिन एब्रीविएटेड ये नाम है और इनको एक नाम बना दिया गया है। जैसे नोएडा की बात हम करते हैं तो नोएडा भी एक शॉर्ट फॉर्म है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस
पूरे नाम को ना बोलना पड़े, तो हमने उसको शॉर्टन कर लिया और हमने बोला नोएडा। तो नोएडा लिखेंगे जब, तो हम यहाँ कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। लेकिन हम यूएसए लिखेंगे तो हम, अगर हम इसको उषा बोलते तो हम इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते, ये हम फुल स्टॉप ये हम नहीं लगाते, इसीलिए इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, लेकिन हम उषा में लगाएंगे, यानी हम यूएसए में लगाएंगे। इसी तरह से जरा इनके एग्जाम्पल्स को देख लें। अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव है, मैंने कहा गो देयर, मैंने कहा गो देयर, हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए जाते हैं और ये उसी पर्सन से बोले जाते हैं जो सामने होता है। तो गो देयर अगर हमने बोला तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया और यहाँ यू जो है वो छिपा हुआ है, इसे हम लिखते नहीं हैं। और अगर हम उसको लिख देंगे तो ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रह जाएगा और ये असर्टिव हो जाएगा, तब भी हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और अगर हम लिखें यू डिड दैट, तुमने किया वह, अब हम फिर से फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जितने हैं उनके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जितने असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनके एंड में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जितने एब्रीविएशन पार्ट हैं, जैसे जैसे हम लिखें पीएम, चाहे इसको प्राइम मिनिस्टर कहो और चाहे इसको पोस्ट मैरिटियन कहो, एएम, ठीक है ना, पीएम है, एएम है, एमए है ना, एमए है, बीए है, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, प्राइम मिनिस्टर कहो या पोस्ट मेरिडियन, या इसको एएम कहें हम, एंटी मेरिडियन, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है, ये सब एब्रीविएशंस हैं, एक्रोनिम्स में नहीं लगाना है, एब्रीविएशंस में लगाना है। अब कुछ इनिशियल्स की बात करते हैं। अगर कोई वर्ड इनिशियल से शुरू हुआ है यानी इनिशिएट होते हैं, जैसे हमने कहा एस टी कॉलरिज, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम है एस टी कॉलरिज, तो एस टी कॉलरिज अगर हमको लिखना है तो एस टी कॉलरिज में जो एस टी है सैमुअल, टी है टेलर कॉलरिज, तो हमने एस और टी ये हमने इनिशियल्स लिखा। हमने कहा ए के बिस्वानी, तो ए है अनिल, के है कुमार और बिस्वानी, तो ये जो इनिशियल्स हैं, आर के अग्रवाल, ये जो इनिशियल्स हैं इन इनिशियल्स को भी हम फुल स्टॉप, इनिशियल्स में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये तो फुल स्टॉप की बात हो गई। तो फुल स्टॉप फाइनल एंड होता है सेंटेंस का जहाँ पे हम लगाते हैं। तो असर्टिव और इंपरेटिव, एक्रोनिम और असर्टिव, इंपरेटिव, एब्रीविएशंस और इनिशियल्स के पहले हम, इनिशियल्स के एंड में हम फुल स्टॉप को लगाते हैं। इसके बाद देखें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रूल्स रखने वाला, सबसे ज़्यादा वैरायटी में यूज किया जाने वाला है कौन, कॉमा। लिखने की जरूरत नहीं थी, ये है कॉमा। तो कॉमा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। कॉमा एक सेमी पॉज है, जब हम थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकते हैं तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो कॉमा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, इसको हम एक तरफ से देखें। सबसे पहला पॉइंट, सीरीज ऑफ वर्ड्स, और इन वर्ड्स में फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, और वर्ड्स में कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, मींस एनी एलिमेंट जो एक से ज़्यादा एक सीरीज में यूज किए जा रहे हैं। जरा कुछ एग्जांपल्स से देखें तो हम उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे हम कहें राम, श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन, यहाँ पे एंड हुआ, हमने फुल स्टॉप लगाया। अगर इसको सेंटेंस में बदल दें, आर गोइंग, ये सेंटेंस बन गया, राम श्याम एंड मोहन आर गोइंग, तो राम था श्याम था, राम और श्याम के बीच में हमने कॉमा लगाया। अगर यहां मोहन भी होता, मोहन, फिर हम कॉमा लगाते, मोहन राम श्याम एंड सोहन, इसको सोहन कर दें, तो आप कितने, मोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया और सोहन हो गया। तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ हमने दो कनेक्ट, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड कनेक्टर का यूज किया है इस तरह से। और देखें जरा, अगर हम दो प्रोनाउंस जोड़ें, यू ही एंड आई,
यू ही एंड आई वर डूइंग आवर वर्क. ये सेंटेंस देखें जरा. यू ही एंड आई वर डूइंग आवर वर्क. तुम, वह और मैं अपना काम कर रहे हैं. यहां वर क्लियर प्लूरल है, यहां आवर इसलिए है क्योंकि यू ही एंड आई जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ आई भी उसका पार्ट होता है तो हम उसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल मान लेते हैं और उसके लिए वी का पजेसिव केस आवर का ही यूज करते हैं. ये भी करेक्ट सेंटेंस है. तो इस तरह से देखें, जैसे हम कहें ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट काइंड एंड जेंटल. देखो तीन एडजेक्टिव जोड़ दिए हमने, तो हमने ऑनेस्ट बताया उसे, हमने उसे काइंड बताया और हमने उसे जेंटल बताया. ऑनेस्ट, काइंड और जेंटल, ये तीनों क्वालिटीज किसकी हैं? वो तीनों क्वालिटीज ही की हैं और हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया और इसलिए हमने यहाँ कॉमा का यूज किया. अगर हम फ्रेजेस को जोड़ें तो देखें जैसे कैसे जोड़ेंगे. आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हैं या इनको देखते जाएं, समझते जाएं. इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ कठिन नहीं है. जैसे हम कहें व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड वेयर टू गो. देखिए हमने तीन फ्रेजेस जोड़े, हमने व्हाट टू डू जोड़ा, हमने व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू जोड़ा और फिर तीसरा जैसे ही जोड़ा वेयर टू गो. क्या करें, क्या ना करें और कहां जाएं. ये तीनों फ्रेजेस हमने जोड़े और तीनों फ्रेजेस में पहले और दूसरे के बीच में हमने कॉमा का यूज किया और तीसरे को दूसरे से जोड़ने के लिए हमने एंड यानी कनेक्टर का यूज किया. जरा देखें, वेयर सी लिव्स एंड वेयर सी लिव्स, व्हाट सी डज एंड व्हाट सी वांट्स टू डू इज नॉट नोन टू अस, नोन टू अस. वेयर सी लिव्स, व्हाट सी डज एंड. अब देखिए ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया और ये एक क्लॉज हो गया. इन तीन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए पहले और दूसरे के बीच हमने कॉमा और दूसरे और तीसरे के बीच में हमने एंड का यूज किया. इस तरह से जब हम सीरीज ऑफ लेटर्स, सीरीज ऑफ नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव की बात, एडवर्ब भी जोड़ेंगे तो हम कॉमा का यूज करेंगे. मीन्स दो से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं और दो को यूज करना हो तो हम बीच में एंड लगाते हैं, हम कॉमा की जरूरत नहीं होती हमको. इस तरह से ध्यान रखें और जब भी आपको जरूरत हो तो फिर से देख लें, कॉमा ही चल रहा है अभी. जब भी एडवर्ब क्लॉज को पीसी के द्वारा फॉलो होता है, देखिए ना आपको मैंने सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया, एक तो पीसी होता है और दूसरा एससी होता है और पीसी और एससी को यहां कनेक्ट किया जाता है कंजक्शन के द्वारा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, कंजक्शन और सबॉर्डिनेट क्लॉजेस ऐसे जोड़ा जाता है. कभी कभी हम इनको दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं. जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ यू लव मी आई विल लव यू. अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा. अगर इस सेंटेंस को मैं देखो, इफ से मैंने जोड़ा तो इफ के बाद वाला ये कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशन दे रहा है और ये रिजल्ट क्लॉज है, ये एससी है और ये पीसी है. तो जैसे ही हम पीसी को बाद में लगाते हैं और एससी को पहले यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले लगाते हैं तो हम बीच में कॉमा लगाते हैं. अगर हम इसको ऐसे लिखें, आई विल लव यू इफ यू लव मी,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, हमेशा ध्यान रखें। इफ को कंडीशनल क्लॉजेस में मैंने बताया था आपको जब सेंटेंसेस पढ़ाई थी कि इफ के साथ तीन कंडीशंस बनती हैं और तीनों कंडीशंस में इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस बीच में कॉमा रहेगा, और अगर हम दूसरे क्लॉज को पहले ले लेते हैं तो बीच में इफ कनेक्टिव का काम करेगा और फिर किसी कॉमा की जरूरत नहीं है, यहाँ एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है। जरा एक सेंटेंस और देखो, ऑल्दो ही वर्कड very hard he could not pass, हालांकि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो पास ना हो पाया। ये although का ये SC है और ये PC है। एक शॉर्ट टिक और समझ लें, जिस भी क्लॉज में कंजक्शन लगा होगा मेन वाला, वो क्लॉज SC यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो रेस्ट यानी बचा हुआ सेंटेंस जो फ्री क्लॉज होगा, जो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पर, इंडिपेंडेंट होगा, उसे हम PC यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। तो जब भी हम SC फॉलोड बाई PC होगा, SC फॉलोड बाई PC होगा, तो हम कनेक्टर के रूप में, बीच में पेयर के रूप में एंड का यूज, हम कॉमा का यूज करेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स और देखें इसके। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस को हम एज सून एज से शुरू करें, एज सून एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर आया पानी बरसने लगा। तो ये जैसे ही या ज्यों ही है, तो इसका जो ये त्यों ही है ना, ये त्यों ही या वैसे ही, ये कॉमा से ही इंडिकेट किया जाता है और फिर बीच में हम कॉमा लगाते हैं। अगर हम इस क्लॉज को पहले ले लें तो ये एज सून एज बीच में चला जाता है। जैसे हम कहें इट स्टार्टेड रेनिंग एज सून एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस, तब यहाँ पर कोई भी कॉमा की जरूरत नहीं होगी। तो जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फॉलोड बाय प्रिंसिपल क्लॉज, वी यूज कॉमा इन बिटवीन, हम दोनों के बीच में कॉमा का यूज करते हैं। अगला रूल देखें हम, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सेंटेंसेस तो दो होते हैं, सब्जेक्ट तो हमारे पास दो होते हैं, और उनसे हम एक रिलेटेड टास्क करवाते हैं। जैसे हम कहें He took food, ये आपने सेंटेंसेस में पढ़ा था, यहां पर देखें एक सेंटेंस और लिखें, His mother gave him food। यहां ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हटाकर इसे हम बीइंग में चेंज करके सिंपल सेंटेंस बना दें। अभी तो ये अलग अलग सेंटेंसेस थे, कॉमा यहां लगा, फुल स्टॉप यहां लगा हुआ था, दो सेंटेंसेस थे, अब हमें इनको जोड़ देना है। आप सिंथेसिस में समझे थे कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जब सब्जेक्ट कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को हटाकर हेल्पिंग वर्ब को हम बीइंग में चेंज कर दें और सीधे जोड़ते चले जाएं। यहां पर ये पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये सेंटेंस सिंपल है। आप ये भी ध्यान रखें, ये सेंटेंस सिंपल है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब है, दूसरी वर्ब को हमने फ्रेज पार्टिसिपल में यूज कर लिया है। जरा इस सेंटेंस में देखें, इसमें ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम बीइंग में तो चेंज करेंगे, लेकिन बाकी, और यहां कॉमा लगा करके इसको हम जोड़ देंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही बीइंग हंग्री हिज मदर गेव हिम फूड, उसके भूखे होने पर उसकी माँ ने भोजन दिया, और इस तरह से ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया। क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना और ये पार्टिसिपल फ्रेज बना। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर्स, राइट अवे नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग टू यू गाइज। Thanks for watching.